ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। आई नो कि आप में से लाखों स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने वाले हो या फिर किसी न किसी सब्जेक्ट से अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करने वाले हो, बट उसमें से सबको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, सबको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। या फिर अगर आप अभी 12th में ही हो और अगले साल कॉलेज लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी कोर्स में या आप किसी भी कॉलेज में अपना पढ़ाई करने वाले हो तो उसमें ज्यादातर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जिनका आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती है, तो उन स्टूडेंट के ऊपर मेंटली ज्यादा प्रेशर नहीं होता अपनी आर्थिक स्थिति को लेके। भाई दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिनके दिमाग में ऑलरेडी प्रेशर चल रहा होता है कि यार कॉलेज तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे इतना फीस लग रहा है, क्या इसके बाद हमें जॉब लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। एक तो जॉब का टेंशन रहता है और ऊपर से आपका मेंटली प्रेशर जो होता है इकोनॉमिक को लेके, क्योंकि या तो वो अपना एजुकेशन लोन लिया रहता है पढ़ाई को आगे करने के लिए, या फिर अपना घर का सारा पूंजी लगा लेता है अपना एजुकेशन में, ये सोच के कि 4 साल बाद हमें जॉब मिल ही जाएगी। क्योंकि कॉलेज वाले तो हमें एडमिशन ब्राउचर में दिखाया रहता है कि भैया हमारे 100% प्लेसमेंट है, हम सारे स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई होती है, कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगती है, कितनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, ये सच्चाई तो कॉलेज जाने के बाद ही पता चल पाती है, जब हम अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं। एंड उस टाइम पे लिटरली मेंटल प्रेशर काफी बढ़ जाता है स्टूडेंट पे, एक नॉर्मल स्टूडेंट पे, क्योंकि लिटरली जिस तरह से हमें एड्स में दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ इतनी हाईएस्ट पैकेज गई, इतनी इंटर्नशिप लग रही है, एक्चुअल में वो ये नहीं बताते कि ये ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है, ठीक है, तो भैया ऐसे में करे क्या। तो देखो, अब ये बात इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मान के चलो आपने कोई सा भी कॉलेज ले लिया, तो अब तुम अपने स्किल्स पे और खुद पे कितना इंप्रूवमेंट ला रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो उस चीज के ऊपर, ये तुम पे डिपेंड करेगा। मतलब ये कि 4 साल हमें खुद पे कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, क्या क्या स्किल्स सीखने और हमारे क्या रोड मैप होनी चाहिए अपने पढ़ाई के दौरान, एजुकेशन के दौरान, ताकि हम भी एक अच्छी ड्रीम पैकेज ग्रैब कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहीं भी किसी भी कॉलेज में अपना 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उनके बच्चे की एक अच्छी लाइफस्टाइल हो सके और उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इसके लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा, चाहे आप इसी साल एडमिशन लेने वाले हो या ऑलरेडी आप किसी कोर्स में इनरोल हो, क्योंकि आजकल हर फील्ड में आपको उतना ही कंपटीशन दिखेगा। तो अब आपको एक अच्छी जॉब के लिए करना क्या होगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता इससे, बट एक चीज समझो, ड्रीम पैकेज ना मिलने के कारण ये नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि कंपनीज के अकॉर्डिंग उन छात्र में उनके लाइक स्किल्स ही नहीं होते। अब अगर इन सारे जवाब का आपको फ्री में मिल जाए कि आपको कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपको एक ड्रीम जॉब ऑफर मिल सके, ठीक है, तो ये सब चीजें अगर फ्री में मिल जाए, वो भी टॉप IITs के स्टूडेंट द्वारा जिन्होंने टॉप MNCs कंपनी में अपनी जॉब ग्रैब करी है, एंड वो लोग आपको मेंटर करेगा, गाइड करेगा, ताकि आप भी एक ड्रीम पैकेज ले सको। अब इस वेबिनार में जो IITians होंगे वो IIT दिल्ली, मद्रास एंड IIT बॉम्बे के होंगे, एंड ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है, आप अपने मोबाइल डिवाइस से या फिर लैपटॉप है तो वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड इस वेबिनार में आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, भले आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का हो, ठीक है, या फिर आप BBA, BCA, MBA कुछ भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना। अब देखो इसके फायदे, ये एक तो ये फ्री है, ठीक है, और फ्री में आपको अगर कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है, एंड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर ही मिलेगा। इस वेबिनार का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल दूंगा, वहां से जाके आप रजिस्टर कर लेना। तो इस वीडियो के थ्रू जितने भी स्टूडेंट जा रहे हो इस वेबिनार में शामिल होने के लिए, तो अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर से शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके लिए वाकई वर्थ इट रहा या नहीं रहा। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट में शेयर करना, ताकि अगर कोई और स्टूडेंट देख रहा हो तो उनको भी हेल्प मिले, और अगर आपको इससे फायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।